एक खत जिसने हरियाणा पुलिस की नींद उड़ा दी, एक लेटर जो किसी की शरारत है या फिर सचमुच कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है। जगाधरी के साथ कई स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद अलग अलग स्टेशन पर पुलिसकर्मी तैनात हो गए। भिवानी में आज चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिसकर्मियों ने लोगों के बैग चेक किए, साथ ही लोगों को समझाया कि किसी भी संदिग्ध वस्तु के बारे में अगर कोई जानकारी मिलती है तो उसके बारे में पहले पुलिस को सूचना दें। जगधारी में जो लेटर मिला उसमें करनाल, जगाधरी, पानीपत, अंबाला कैंट समेत कई स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है, लेकिन पुलिस किसी भी बात को हल्के में नहीं लेना चाहती, इसलिए पहले के मुकाबले पुलिस की मुस्तैदी स्टेशन पर और भी ज्यादा बढ़ा दी गई। एक मिनट सर, सर आज किस प्रकार का अलर्ट आया है और किन बातों को लेकर ये सर्च अभियान चलाया गया, क्या कुछ खामियां मिली हैं, कुछ संदिग्ध व्यक्ति मिले? आज एक तो त्योहारी सीजन हमारा आ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए और जो अलर्ट जो आया है यमुनानगर से उसको मद्देनजर रखते हुए गहनता से चेकिंग ज्वाइंट हमारी स्विफ्ट टीम बना के कर रहे हैं, जिसमें आरपीएफ भी है, जीआरपी भी है, आईबी भी है, सीआईडी भी है और हमारी स्थानीय पुलिस भी है। तो सर आज गाड़ियां भी हाँ चेकिंग कर रहे हैं, जो भी संदिग्ध लगता है उसकी गहनता से चेकिंग कर रहे हैं। अब तक कोई ऐसा संदिग्ध जो चेकिंग में नहीं मिला है, फिर भी अलर्ट है और लगातार चेकिंग कर रहे हैं सर। ये चेकिंग सरकार की टीम में हम अलग अलग समय बनाकर स्थानीय उसमें भी जहाँ भी हमें लगता है कि भैया चेकिंग की जरूरत है वहाँ रहे सर। नहीं, स्थानीय व्यक्ति को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उनको यदि कोई उन्हें संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध कोई वस्तु दिखाई देती है वो पुलिस को सूचना दें और इस बात पर किसी प्रकार की घबराए नहीं और न ही ऐसी वस्तु को कोई छूए जो उन्हें संदिग्ध लगे। कुछ नंबर भी पुलिस का सर जिससे संपर्क कर सकता है? हाँ, नंबर हमारे सारे जनरेट हैं और वो सूचना दे सकता है, हमारी 112 की कॉल तो हर जगह ही चल रही है। मनोज जी आज ऐसा है, देखिए ये त्योहारी सीजन को देखते हुए आज रेलवे स्टेशन भिवानी पर जिला पुलिस की, स्थानीय की, जीआरपी पुलिस की, आरपीएफ की, आईबी की, सीआईडी की एक संयुक्त टीम ने काम किया है, जो ये एक त्योहारी सीजन को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर सर्चिंग की जा रही है और आम जनता को सर्चिंग के दौरान सुझाव भी दिया जा रहा है, अपील भी की जा रही है, कोई भी संदिग्ध चीज दिखे या कोई ऐसी संदिग्ध कोई व्यक्ति आपको नजर आए तो उस बारे में तुरंत जगह जगह पर जो सरकारी नंबर हमारे लिखे गए हैं डायल 112 है उसको सूचित करें, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी कोई घटना घटने से पहले समय रहते उस पर काबू किया जा सके। सर रेलवे स्टेशन देखिए ये पिछले कुछ टाइम से सोशल मीडिया पर चल रहा है, कुछ स्टेशनों को उड़ाने बारे धमकी भरा पत्र मिला है, अभी तक इस बारे में कोई पत्राचार हमें नहीं मिला है, नहीं अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट कह सकते ये मामला सही है या किसी शरारती तत्वों ने वैसे शरारत करने के लिए डाला गया है, इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है। और लेकिन त्योहारी सीजन चल रहा है, त्योहारी सीजन पर हर बार रेलवे स्टेशन है, धर्मशाला है, सुनसान जगह है, ऐसी जगह जहाँ पर कोई व्यक्ति आना जाना कम होता है या जहाँ पर रात्रि के समय रोशनी अपर बनी होता है, आम आदमी के जाने से डर लगता है, इस प्रकार के जगहों को हर बार समय समय पर चेक किया जाता है जो आई टी एम के साथ। त्योहारी सीजन दीपावली और छठ पूजा के उपलक्ष्य में या गाड़ियों में अधिक भीड़ के मद्देनजर और राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों के आदेश अनुसार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है और संदिग्ध व्यक्ति वस्तु पर नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी के माध्यम से भी पूरे स्टेशन को निगरानी की जा रही है। रोहतास जी जिस प्रकार यमुनानगर स्टेशन पे कुछ इस तरह का पत्र मिला था जहाँ पे इसका मामला दर्ज हुआ है और उसके मद्देनजर हरियाणा के पड़ने वाले मेन मेन स्टेशनों पर भिवानी स्टेशन यात्रियों से अपील करते हैं कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई देने पर तुरंत ही पुलिस रेलवे कर्मचारी को सूचना दें।